नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग लिप्स की, बात करेंगे होठों पे जो क्रैक्स आते हैं उसके बाद जो उससे ब्लड निकलता है उसको रोकने की कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। साथियों, लिप्स पे क्रैक आने की बहुत बड़ी वजह होती है विटामिन सी की कमी, और हम आपको यहाँ बता दें नींबू सबसे अच्छा सोर्स है जो आपके विटामिन सी की कमी को, लेमन जो पूरा कर सकता है। लेकिन अब अगर आपके होंठ फटे हैं और उससे ब्लड आ रहा है तो उसको रोकने की होम्योपैथी में कारगर दवाएं भी हैं। आज हम आपको बताएंगे पांच ऐसी कारगर दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों आपको बता दें कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि यह स्कर्वी इत्यादि तमाम बीमारियां हो सकती हैं जिसके कारण आपके होठों से ब्लीडिंग हो रही हो और आपको नुकसान पहुंच रहा हो। चलते हैं साथियों उस सफर पे जिस पे आपको बताते हैं लिप्स से ब्लीडिंग रोकने की पांच कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा होम्योपैथी में साथियों, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति जो होती है लिप्स की ब्लीडिंग के सिलसिले में, वह यह होती है जब किसी के लिप्स में क्रैक हो तो वो बार बार उसको उकेरता रहता है, बार बार उस पर दांत मारता रहता है और वो ब्लीड करते हैं। तो अगर यह सिम्टम हो कि लगातार वह लिप्स को टच कर रहा हो, उससे ब्लड निकल रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एरम ट्राइफिलम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में क्रैक लिप्स के केस में ले सकते हैं जब उससे ब्लीडिंग हो रही हो, जब उस बार बार आपको होंठों को भीचने काटने की आदत हो जिससे ब्लीडिंग हो रही हो और आप परेशान रहते हो, तो एरम ट्राइफिलम आपकी हेल्प करेगी और आपके होंठों की ब्लीडिंग को रोकेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके लिप्स में बड़े बड़े क्रैक्स हो गए हों, गड्ढे ऐसे पड़ गए हों, रैजेस पड़ गए हों और आपके ब्लीडिंग हो रही हो। अगर यह स्थिति आप में साथियों, तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम म्यूर 1 एम्पावर में 3 दिन 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर आप वीकली ले सकते हैं। यह आपके लिप्स पर बने रैजेस यानी क्रैक्स को भी ख़त्म कर देगी और आपके लिप्स की ब्लीडिंग को भी रोकने में बहुत कारगर साबित होगी। एक स्थिति साथियों लिप्स ब्लीडिंग में आती है, लिप की ब्लीडिंग में, कि आपको कभी फीवर आया और आपके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके कभी बुखार आया हो, फीवर आया हो और उस वक्त आपके लिप्स में क्रैक और ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस स्थिति से निपटने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में लेकैसिस। आप लेकैसिस 1 एम की 3 खुराक वीकली 5-5 मिनट के फासले पर ले सकते हैं। यह दवा आपकी ब्लीडिंग को भी रोकेगी, आपके क्रैक्स को भी ख़त्म करेगी और आपके फीवर में भी असरदार रूप से ठीक करने में साबित होगी। इसको आप 1 एम पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली लीजिए यदि आपके फीवर और साथ में ब्लीडिंग और लिप्स की दिक्कत परसिस्ट करे। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके लिप्स के क्रैक्स की ब्लीडिंग को रोकने की। बहुत से कारण, बहुत सी दवाएं इस विषय की हो सकती हैं, इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमें या फिर YouTube नोटिफिकेशन पैनल पे हमको लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे पाएं। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन के क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यू ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।